वही पर्चा बनता बनता, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी जो भी था अल्लाह था। उसके बाद जो था उन्होंने हमें छोड़ दिया, भाई आप तुम रिहा कर रहे, दोबारा से पट्टियाँ बांध दी। तो मैं समझ रहा था कि भदारी मार देंगे, बताया तो कुछ नहीं, हाँ एक बंदे ने बता दिया छोड़ रहे हैं आपको, बाकी उन्होंने नहीं बताया मुझे, ऐसा सख्त था। फिर उन्होंने फिर छोड़ दिया मुझे बॉर्डर पर, बॉर्डर पर एक बंदा था पहचान का, मैंने कहा भाई मैं ऐसी हूँ कोयटा, क्योंकि मैं काम से बिजनेस के हवाले से मैं कोयटा में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा जरो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ नौशकी तक, मैं जाना है, मैं नौशकी तक आ गया। नौशकी तक आने के बाद फिर नौशकी से मैंने लिफ्ट ले लिया, क्योंकि गाड़ी मुझे मिल गई, नंबर वगैरह किसी का मुझे याद नहीं था। नौशकी सवार होकर शेख वासिल पर किरास का होटल है वहाँ तक पहुँच गया। तो गाड़ी वाले से मैंने मोबाइल ले लिया, मुझे कॉल करना है, तो मेरा एक कज़न है उनका नंबर मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने उनको कॉल कर दी कि भाई आप मुझे रिसीव कर ले, मैं आ गया हूँ। बाकी वो पहुँचे तकरीबन 2-3 घंटे हुए या उससे लगभग आस पास, रिसीव कर लिया मुझे उन्होंने। रिसीव करते ही वो हैरान हो गए, मुझे तो इल्म नहीं था क्या हुआ है, क्या दुनिया क्या मचा हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई हमने आपके लिए फातह खानी कर दी है, मिले गले मिले, रोना शुरू किया। मैंने भी इमोशन होते हैं जब, मैं कहा अब क्या करें, अब तो मैं तो मर चुका हूँ, अब क्या करना है। मैं चलते हैं बस, हमारा जो बड़ा है, हमारे अजीज भी हैं सरदार साहब और हमारे कबायली लीडर भी हैं, बल्कि कौमी लीडर है मैं कहता हूँ। तो उनका चलते हैं देखते हैं, मशवरा करते हैं सरदार साहब से क्या बनता है, क्या करते हैं आगे क्या करना है। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सरदार साहब और बाकी कुछ मशवरा दिया, आप कर ले ताकि कुछ बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गई थी थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ताकि नाजा बातें होते हैं फिजा में घूमते हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं अपना दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता बंदा हूँ, इंजीनियर बस, बाकी मेरी पूरी फैमिली तालीम याफ्ता बंदे हैं, तमाम किताब अच्छी पोजिशन पर है। भाई हमारे जो है ना, मैं किसी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी इदारे का मैं खिलाफ नहीं, ना ही मैंने किसी इदारे के खिलाफ काम किया है, ना किसी तंजीम, मेरा कोई किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं रहा है। हाँ बिजनेस से मेरा ताल्लुक है, कोई मेरे साथ बैठे तो मैं बिजनेस की बातें उससे करूँगा, रियल एस्टेट की बातें करूँगा, बाकी किसी और चीज़ से ताल्लुक नहीं। और एक और कोयटा में सरदार नूर अहमद बंगलजई और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा किसी जमात से कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, मैं मस्तून से लाया, उसको मैं पूरा वाक्य बताया कि भाई हमने आपकी फातह खानी पढ़ी है और हम आपको तो फौत हो चुके हो, ये सिस्टम हुआ है। फिर मैंने कहा चलो सरदार साहब के पास आते हैं, ये मशवरा करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आप मंजराम पर आ जाओगे। तो फिर हम सरदार साहब के पास आ गए और मशवरा किया, बस आप लोगों को थैंक यू आ जाओगे। तो फिर हम सरदार साहब के पास आ गए और मशवरा किया, बस आप लोगों को थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने ज़हीर अहमद बंगलजई और उसकी फैमिली की बातें सुनी, मेरा ख्याल इसके बाद तो टाइम की ज़रूरत नहीं है जो कि इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। अभी रिसेंटली कल परसों मैंने देखा इसी सोशल मीडिया पे एक जुडिशल कमीशन बनाया गया है, हम बिल्कुल इसकी हिमायत करते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, अदलिया से, कि सिर्फ इन चंद अफराद के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो ज़्यारत के मुकम्मल वाक़ा पर बनाओ कि पाकिस्तान के शरीफ फैमिली एक फौजी ऑफिसर को उसके फैमिली बच्चों के सामने उठा के उसके रिश्तेदारों को ले जाया जाता है, उसके बाद उसकी मजरशुदा लाश मिलती है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि भाई इनको क्यों उठाया गया, इनका जुर्म क्या था। उसके बाद जो बंदे मारे गए हैं जुडिशल कमीशन में, सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट तहकीक की जाए कि आया वाकई ये लापता है या नहीं है। जो ज़हीर अहमद टटानी है आज आपके सामने है, जिंदा सलामत बैठा हुआ है, जिसके फैमिली ने 8-10 दिन से इसकी फातिहा ले रहे,
चलो फैमिली है परेशानी में, किसी को डेड बॉडी दी जाती है, वो फातिहा भी लेता है, वो रोता भी है, वो परेशान भी होता है, पिटता भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन अफराद से जिन्होंने इनके फैमिली के बगैर, इनके परमिशन के बगैर, इनकी कोशिशों के बगैर, कहने के बगैर ज़ही रामत बंगोजी का तस्वीर लेके रोडों पे हफ्ते से बैठे हुए हैं, तमाशा बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माओं से कहना चाहता हूँ कि खुदारा ए बलूचिस्तान को एक दफ़ा फिर आठ में मत आप घुसाएं। हमारा एक फ्यूचर है बलूचिस्तान का, एक रोशन मुस्तकबिल है। हमने हमारा मंजिल बहुत आगे हमने जाना है। हमारा सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। हमारा सूबा मालामाल से भरा हुआ है। दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान दुश्मन है उनकी नज़रें इसने बलूचिस्तान पे हैं, हमारे वसाइल पे हैं, हमारे मादनियात पे हैं, हमारे साहिल समंदर पे है। उनके बातों पे ना आएँ, बाकी मफादात पे ना करें। चंद अनासर हैं जो ये तहरीक चला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन के हवाले से कैंपेन कर रहे हैं, इनको बाहर से फंडिंग हो रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो सबसे पहले मैं खुद ट्राइबल हेड के अलावा, सियासी आदमी के अलावा एक बिजनेसमैन भी हूँ। फिर उसके अलावा सबसे पहले तो ये कमीशन बनाया जाए कि जो कोयल माइनर ओनर्स हैं इनसे ये दहशतगर्द तंजीमें भत्ता लेते हैं, पर टन पैसा लेते हैं, ये किस मद में लेते हैं? आप कौन सी आज़ादी लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? अब तो इन्होंने नया ड्रामा रचाया हुआ है, जितने कानपुन काम कर रहे हैं पर हेड इन्होंने 1000 रखा हुआ है। जो मजदूर हमें पर मंथ 1000 रुपये नहीं देगा हम उसको कत्ल कर देंगे। 2021 मई में आप लोगों को पता हो मार्डट में फोर्सिस कैंप पे हमला किया गया, वहाँ से एक बिलाल नामी सिपाही को उठाया गया। चंद दिन बाद एक वीडियो जारी होता है, कुछ मुसल्ला लोग दहशत पे पहाड़ों में बैठे हुए हैं, एक अदालती कार्रवाई चला रहे हैं अपने बोर्डर्स, उसमें बाकायदा वो अपने गवाहान पेश करते हैं। बिलाल नामी उस एफसी के सिपाही को सजाए मौत दी जाती है, सजा सुनाई जाती है, उसके बाद सजाए मौत दी जाती है। मैं इस अदलिया से कहता हूँ, इस रियासत के वारिसों से कहता हूँ, इस टाइम मौजूद गवर्नमेंट से कहता हूँ, इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आया उस बिलाल सिपाही को आपने किस आइन के तहत उठा के फांसी की सजा दी? एक रियासत के मौजूद होते हुए आप दूसरी अपनी रियासत कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के मैनेजमेंट बना, सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बंदे लापता हैं, आया वो वाटी लापता है। शायद पिछले साल एक वाकया हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज में, जो दहशतगर्द वहाँ मारे गए उनके बारे में यही कहा जाता था कि ये लोग मिसिंग पर्सन है। जो बात मजेदार पे ज़ियारत वाकई में भी मैंने आप मीडिया के तवसुत से एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें बाकायदा एक ऑपरेशन हो रहा है, कुछ बंदे सरकार के मुसल्ला उठाए हुए है लड़ रहे हैं सिविल ड्रेस में, बाद में उनकी तस्वीरें मैच की जाती हैं। और जो मरने वाले लोग हैं, जो उस वीडियो में लड़ने वाले लोग हैं, वो तो सेम हैं। तो कैसा? और इसके अलावा इसी ऑपरेशन में मेरा ख्याल है फौजी मारा गया, जो मैंने आपके तवसुत देखा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ से कुछ साफी बिरादरी ने उनका जनाजा भी अटेंड किया है। अरे ऑपरेशन ना होता तो आया कौन अपने बंदे को मारता है? हम नहीं समझते। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामाबाजी बंद किया जाए, हमारे नौजवानों के, हमारे माओं बेटियों को, हमारी बहनों को रोडों पर ना बिठाया जाए अपने मफादात की खातिर, अपने सियासत की खातिर। मैं एज ए बलोच सरबरा की हैसियत से, मैं अपने बलोच कौम से ये बोलता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, दुश्मन ममालिक के हाथों इस्तेमाल ना हो, इन चीज़ों को आप रिजेक्ट करें। हमारी नई नस्ल को तबाह की जा रहा है, हमारी नई नस्ल तबाह किया जा रहा है। अभी देखने में आपने देखा होगा चंद सालों से हमारे बलूचिस्तान के नौजवान, बलोच, पश्तून या रहने वाले दिगर कबाइलों के बच्चे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। ये चीज़ दुश्मन को टटक रहा है, उसने देखा और कुछ ना हो रहा कि इन नौजवानों को इस चीज़ में बरगलाया जाए, और वो अब कामयाब हो गया क्योंकि हमारे मासूम लोग हैं, हमारे सादा लोग हैं, जैसे फैमिली आपके सामने बैठी हुई है। इनके बंदों को इनके टहने के बावजूद, इसरा तटा के बावजूद इनको उठा दिया कि आपका बंदा यही है, आपका बंदा लापता था, आपके बंदे को फोर्सेज ने उठाया, आपके बंदों को एक बोर्डर्स और दो नंबर ऑपरेशन में मारा गया, आज बंदा आपके सामने जिंदा सलामत है। वो अपनी जुबानी ये चीज़ें कह रहे हैं।
तो लिहाजा ये मुल्क हमारा है, इसके साथ आप ना खेलें। मैं अपने माँ बहनों से भी कहता हूँ जो आपके असल लापता हैं उनकी तहकीक कराएँ, उस मिशन पे हम भी अपने बहनों भाइयों के साथ हैं। अगर किसी को गलत गुमशुदी किया जाता है हम भी आपके साथ हैं, लेकिन सबसे पहले वाजी तो हो कि असल लापता है या नहीं है। यह हमारे लाशों पे सियासत किया जा रहा है, हमारे नौजवानों पे सियासत किए जा रहे हैं, तो इन सब को जो इनकी ड्रामाबाजी है हम इनको कंडम करते हैं। हम इस सारा जो प्रोपरंडा है हम जुडिशल कमीशन अदरिया से भी कहते हैं कि तहकीक कराई जाए। हम चंद दिन बाद इंशाल्लाह अपने इस नौजवान को अदरिया में भी ले जाएंगे, हम दिखाएंगे।